जय हिंद दोस्तों दिव्य हिंदी अकाडमी में आपका स्वागत है मैं सुभाष आपको जो वैदिक सभ्यता का पार्ट वन पार्ट टू और जो बाकी था पार्ट थ्री आज हम कंप्लीट करेंगे तो आइए अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए आइकन दबाइए क्योंकि आइकन दबाएंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा दोस्तों आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता आप लोगों को बताए थे वैदिक सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता जो है प्रमुख रूप से ये क्या है नगरी नहीं क्या है ग्रामीण सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता है तो हम लोग इसमें पढ़ चुके थे पहला पढ़े थे ऋग्वैदिक काल दूसरा पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी अन्य ग्रंथों से मिलती है दोस्तों अन्य ग्रंथों से मिलती है ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 हज़ार बी पढ़े थे और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 सौ बी पढ़ेंगे तो ऋग्वै वैदिक काल हमारा बहुत बढ़िया सभ्यता थी बहुत बढ़िया सभ्यता थी लेकिन तो उत्तर वैदिक काल में जा कर के बहुत सारी बुराइयां भर गई दोस्तों समाज में बहुत सारी बुराइयां भर गई राजा निरंकुश हो गया तो आइए चलते हैं देखते हैं कैसे क्या उत्तर वैदिक काल में होता है पहले ऋग वैदिक काल को एक बार थोड़ा रिवीजन करेंगे उसके बाद उत्तर वैदिक काल पे फिर चलेंगे तो वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता पार्ट थ्री तो देखिए राजनीतिक स्थिति क्या थी राजनीतिक स्थिति क्या थी दोस्तों राजनीतिक स्थिति ऋग वैदिक काल क्यों? अगर हमारे पार्ट वन वैदिक सभ्यता के पार्ट वन पार्ट टू को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जा के पार्ट वन पार्ट टू को भी देख लीजिएगा दोस्तों उसके बाद पार्ट थ्री देखिएगा तो एकदम आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि कभी भूलेगा नहीं दोस्त कभी भूलेगा नहीं तो आइए राजनीतिक स्थिति जैसे कुल हुआ करता था कुल को कहते थे परिवार कुल को क्या कहते थे दोस्तों परिवार कहते थे कुल को क्या कहते थे परिवार कहते थे तो कुल का जो मुखिया होता था उसका नाम था कुलअ या कहते थे गृहपति या कहते थे गृहपति तो कई कुल को मिला करके के एक ग्राम बनता था एक ग्राम बनता था जिसका मुखिया ग्रामड़ी होता था दोस्तों जिसका मुखिया ग्रामड़ी होता था उसके बाद कई ग्राम को मिला करके के विष बनता था विष जो है विष के मुखिया विस्पति होते थे उसके बाद कई विष को मिला करके जन होता था जन के जो राजा होते थे राजन होते थे या जनपद होते थे दोस्तों जनपद कह दे या राजन कह दे जनपद कह दे या राजन कह दे जन के मुखिया को आगे चलेंगे छठवीं शताब्दी छठवीं शताब्दी जो ईशापुर का होता है छठवीं शताब्दी जो ईशापुर का होता है दोस्तों यहाँ पे महाजनपद काल का उदय हुआ जो हम प्राचीन इतिहास में सोलह महाजनपद का उदय पढ़ते हैं सोलह महाजनपद का उदय पढ़ते हैं सोलह महाजनपद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहा जाता है मगध राज्य था मगध था आइए दोस्तों चलते हैं तो महाजनपद का उदय जब हुआ तो इसमें राजा होने लगे राजा मुखिया होने लगे महाजनपद तो पूरे भारत में 16 महाजनपद का बात आता है तो महाजनपद से क्या बनता है दोस्तों साम्राज्य बनता है साम्राज्य यानी राष्ट्र कह लीजिए साम्राज्य यानी राष्ट्र कह लीजिए उसके बाद साम्राट का जो मुखिया होता था वो सम्राट होता था सम्राट होता था जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे चल के सम्राट अशोक सम्राट अशोक पढ़ेंगे दोस्तों तो आइए आगे चलते हैं तो राजा का चुनाव कैसे होता था ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता था अभी हम ऋग्वेदिक काल की घटनाओं को पढ़ रहे हैं दोस्तों अभी हम ऋग्वेदिक काल की घटनाओं को पढ़ रहे हैं अभी बाद में हम आएंगे उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की घटनाओं को यहाँ से पढ़ेंगे क्या क्या बुराइयाँ हैं यहाँ देखेंगे दोस्तों अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जो बाकी ऋग्वेदिक काल की अच्छाइयाँ हैं कुछ उसको पढ़ रहे दोस्तों तो चलिए राजा राजा जो होता था राजा का चुनाव किया जाता था दोस्तों राजा का चुनाव किया जाता था चुनाव कैसे होता था सभा एवं समिति करता था सभा एवं समिति द्वारा चुनाव होता था दोस्तों आगे चलेंगे यहाँ पे ऋग्वेदी काल में एक युद्ध का नाम आया है जिसका नाम दासराग युद्ध है दोस्तों जिसका नाम दासराग युद्ध है तो भरत वंश के राजा दासराज युद्ध दासराग युद्ध किसके बीच में हुआ है तो आइए भरत वंश के राजा सुदास भरत वंश के राजा सुदास एवं दस राजाओं के साथ भरत वंश के राजा सुदास एवं दस राजाओं के साथ परुषणवी रावी नदी यानी परुषणी रावी नदी के किनारे हुआ था दोस्तों रावी नदी के किनारे होता था जिसमें सुदास विजय हुए दोस्तों जिसमें सुदास विजय हुए हैं तो इसको याद करिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आगे चलेंगे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की जो बात आती है ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है हम लोग कहेंगे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं दस मंडल है पहला और दसवां बाद में जोड़ा गया है पहला एवं दसवां बाद में जोड़ा गया है लेकिन तो ऋग्वेद से ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है जो तीसरे मंडल से लिया गया है दोस्तों तीसरे मंडल से लिया गया है और ये जो आपका गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों सूर्य देवता को समर्पित है सूर्य देवता को समर्पित है आगे चलेंगे जो ऋग्वैदिक काल की समाज थी समाज थी तो पितृ सत्तात्मक समाज थी यानी पिता ही घर के मुखिया होगा दोस्त पिता ही घर के मुखिया होंगे दोस्त ऐसे होता था तो आपसे पूछेगा ऋग्वेदिक काल कैसी समाज थी मातृसत्तात्मक सत्तात्मक थी तो सत्ता में थी तो बताएंगे ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता में ऋग्वेदिक काल में पितृसत्तात्मक सत्ता थी और वही जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में वही जाएंगे सैंधव घाटी सभ्यता में इसके पहले तो कैसी सभ्यता थी दोस्तों कैसी सत्ता चलती थी किसका पितृसत्तात्मक थी कि मातृ सत्तात्मक तुर आपके हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में यानी सैंदो सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ पे मातृसत्तात्मक थी दोस्तों मातृ सत्तात्मक थी आगे चलेंगे महिलाएं देखिए ऋगवैदिक काल में महिलाओं का बहुत सम्मान हुआ करता था ऋग वैदिक काल में महिलाओं का सम्मान हुआ करता था महिला पुरुष में कोई भेद नहीं होता था दोस्तों महिलाएं उपनयन संस्कार के लिए जाती थी उपनयन संस्कार का मतलब ये होता है जब बच्चियां, लड़कियां पढ़ने जाती हैं दोस्तों शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं तो उस समय उपनयन संस्कार होता है तो उपनयन संस्कार होता था शिक्षा ग्रहण कर सकती थी यज्ञ में भाग लेती थी, सभा एवं समिति में भाग लेती थी हम जो थमलैन बनाए हैं जब आप वीडियो को टच किए होंगे दोस्तों वीडियो को टच किए होंगे थमलेन पे देखे होंगे यज्ञ हो रहा है यज्ञ में महिला भी सम्मिलित है यज्ञ में महिला भी सम्मिलित है ध्यान से देखिएगा आगे चलेंगे दोस्त आगे चलेंगे तो महिलाएं सभा एवं समिति यज्ञ में भाग लेती थी दोस्तों सभा एवं समिति यज्ञ में भाग लेती थी लेकिन तो आगे उत्तर वैदिक काल में सब पे रोक लगा दिया जाएगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में क्या किया जाएगा सभा समिति में भाग नहीं लेने दिया जाएगा उपनयन संस्कार से वंचित करा दिया जाएगा और आगे देख लीजिए कैसा परिवार था दोस्तों देखिए पितृ सत्तात्मक था पितृ सत्तात्मक परिवार रहता था तो यह परिवार कैसा रहता था संयुक्त परिवार ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार रहता था दोस्तों संयुक्त परिवार रहता था एक बड़ा परिवार रहता था ऋग्वेद के दसवें मंडल में अगला पॉइंट ऋग्वेद के दसवें मंडल में विराट पुरुष का वर्णन है दोस्तों एक विराट पुरुष का वर्णन है एक विराट पुरुष का वर्णन है जिसमें कहा गया है मुख ब्राह्मण से आपसे आज क्वेश्चन बनता है दोस्तों जिसमें कहा गया है एक एक विराट पुरुष को बना दिया गया एक विराट पुरुष को बना दिया गया तो वर्ण व्यवस्था जो था यानी जाति व्यवस्था थी वहाँ पे कर्म के आधार पे थी काल में कैसी थी वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी जो आपका कर्म होगा उस आप वर्ण के होंगे उस आप जाति के होंगे तो मुख से ब्राह्मण होता था दोस्तों मुख से ब्राह्मण माना था मुख से ब्राह्मण माना जाता था देखिए ब्राह्मण मुख से होते थे विराट पुरुष एक बना दिया जाए विराट पुरुष तो कैसे माना जाता था ब्राह्मण जो होते थे मुख से होते थे छत्री उस विराट पुरुष के भुजाओं से होते थे वैसे क्या होते थे वैसे जो अपना जो अपना धंधा पताई करते थे यानी बिजनेस करते थे उनको वैसे कहा जाता था जंगों से ब्राह्मण मुख से छत्री भुजाओं से वैश्य जंगों से शूद्र पैर से दोस्तों शूद्र पैर से अब यहाँ एक बात और आ जाएगी जो ब्राह्मण हैं छत्री हैं वैश्य हैं। उपनयन संस्कार करवा सकते थे ये उपनयन संस्कार करवा सकते थे लेकिन तो जो शूद्र होते थे नीचे अस्तर के होते थे उनको उपनयन संस्कार का क्या था नहीं करवाने का ऑर्डर था दोस्तों नहीं करवाने का आदर था आगे चलेंगे वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था यानी कर्म के आधार पे थी देखिए जो ये विराट पुरुष को बना दिया गया तो क्या किया गया ब्राह्मण को मुख से छत्री को भुजाओं से वैश्य को चंगों से शूद्र को पैर से वर्ण व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे काल में कर्म के आधार पे थी दोस्तों ऋग्वैदिक काल में पूछा जाए वर्ण व्यवस्था कैसी थी तो कर्म के आधार पे थी जो आप कर्म करेंगे जैसा उस जाति के होंगे उस वर्ण को होंगे तो अच्छी बात है लेकिन तू उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा वंशानुगत हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो जाएगा दोस्तों राजा का लड़का राजा वाला बात हो जाएगा तो वहाँ पर बुराइयाँ हो जाएंगी आगे चलेंगे आगे चलेंगे यहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं थी काल में पर्दा प्रथा नहीं थी दोस्त पर्दा प्रथा नहीं थी बाल विवाह नहीं होता था काल में बहुत अच्छा था बाल विवाह नहीं होता था स्त्री एवं पुरुष दोनों उपनयन संस्कार करवा सकते थे स्त्री एवं पुरुष दोनों उपनयन संस्कार करवा सकते थे आप लोगों को बताए उपनयन संस्कार जब महिला एवं पुरुष यानी लड़का लड़की जब जाते थे क्या करने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए तब उपनयन संस्कार करवाया जाता था दोस्तों उपनयन संस्कार करवाया जाता था इस उपनयन संस्कार होता था स्त्री एवं पुरुष दोनों का इसलिए विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है जैसे लोपा घोसा करके नाम मिलता है लोपा घोसा ऐसे नाम मिलता है इन लोगों का लोपा घोसा ऐसे नाम मिलता है विद्युषी महिला देखिए विद्वान होता है विद्वान होता है ज्यादा विद्वान आ, मेल के लिए विद्वान होता है मेल के लिए विद्वान होता है यानी विद्वान पुरुष लिंग है तो विद्वान का स्त्री लिंग करिए तो विदुषी हो जाता है विदुषी हो जाता है दोस्तों ये आपके एग्जाम में हिंदी में पूछता है आगे चलेंगे महिला एवं पुरुष भेदभाव नहीं होता था यानी जब शिक्षा ग्रहण करते थे ठीक है ना शिक्षा ग्रहण कर सकते थे महिलाओं और पुरुष को कोई भेदभाव इनमें नहीं था यानी दोनों को एक प्रकार से देखा जाता था बहुत अच्छी सभ्यता थी ऋग्वैदिक काल दोस्तों महिला एवं पुरुष को कोई भेदभाव इसमें नहीं होता था मतलब महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता था सब पढ़े सब बढ़े वाला कहानी था सब पढ़े सब बढ़े वाला कहानी था आगे चलेंगे दयानंद सरस्वती इसीलिए कहे कहें दयानंद सरस्वती इसीलिए कहे हैं अपने जो समाज सुधारक है दयानंद सरस्वती इसीलिए कहे हैं दोस्तों इसको देखते हुए काल को देखते हुए कि इतना अच्छा समाज है ऋग्वेदिक काल को देखते हुए दयानंद सरस्वती कहते हैं वेदों की ओ लौटो क्या कहते हैं दोस्त वेदों की ओ लौटो वेदों की ओ लौटो का मतलब कि वेद जो है उसको समझिए उसको पढ़िए उसको फॉलो कीजिए वेदों की ओल लौटो ये 1800 शताब्दी के लगभग 1800 सौ ईस्वी में आके 1800 सौ ईस्वी से 1900 सौ ईस्वी के बीच में ये बोला गया वेदों की ओल लौटो यानी वेद हमारा क्या था बहुत सही था दोस्त वेद हमारा क्या था बहुत सही था लेकिन उत्तर वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल में जो भी बुराइयाँ होंगी आज तक पनप रही हैं दोस्तों आज तक पनप रही हैं अभी आपको बताएंगे उत्तर वैदिक काल में कैसी बुराइयाँ हुई तो आगे चलेंगे दोस्तों आपसे पूछेगा वेदो किसने कहा दयानंद सरस्वती गाय अघन्या कहा जाता था गाय को क्या जाता था अघन्या यानी गाय न मारे जाने योग्य कहा जाता था दोस्तों न मारे जाने योग्य अघन्या का मतलब क्या होता है न मारे जाने योग्य गाय को अघन्या कहा जाता था आगे चलेंगे यव को जव कहते थे दोस्तों मतलब जो आज हम जव कहते हैं उसका नाम यव था उसका नाम यो था अब आगेंगे कुछ देवताओं का चर्चा हुआ है कुछ देवताओं का चर्चा हुआ है तो देखिए अंतरिक्ष के देवता किसको मानते थे इंद्र को मानते हैं। अंतरिक्ष को के देवता इंद्र मानते थे इंद्र प्रमुख देवता देवताओं में दे सबसे प्रमुख देवता सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे इंद्र थे चलेंगे के देवता जो थे सूर्य थे वरुण थे अरुण थे मित्र थे आकाश के देवता कौन थे सूर्य थे वरुण थे अरुण थे मित्र थे आगे चलेंगे आधी तूफान के देवता कौन थे दोस्तों आधि आधी तूफान के देवता थे आपके मारुत आधी तूफान के देवता मारुत थे दोस्तों आधी तूफान के देवता मारुत को कहा जाता था वर्षा के देवता इंद्र हुआ करते थे वर्षा के देवता इंद्र हुआ करते थे पृथ्वी के देवता किसको कहा जाता है दोस्तों अग्नि अग्निशोम आदि देवताओं को पृथ्वी का देवता कहा जाता था पृथ्वी का देवता अग्नि एवं सोम को कहा जाता था और भी देवताएं थे आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट सोमरस सोमरस देवताओं का प्रमुख पेय पदार्थ था सोमरस सोमरस क्या था देवताओं का प्रमुख पेय पदार्थ था मतलब पीने वाला देवताओं के पीने वाला पदार्थ था सोमरस अब सोम जो था वनस्पति वनस्पति का मुख्य देवता माना जाता था दोस्तों सोमरस Soma, soma. सोम भगवान से रिलेटेड कर दिया गया था देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी का देवता है अग्नि सोम है ना अग्नि सोम है तो पृथ्वी के देवता अग्नि सोम है आगे चलेंगे सोम रस देवताओं का प्रमुख पेय पदार्थ है सोमरस देवताओं का प्रमुख पेय पदार्थ है तो सोमरस बनता कैसे था वन म, वनस्पतियों से बनता था पेड़ पौधों से बनता था दोस्तों पेड़ पौधों फलों से बनता था सोमरस तो देवताओं का क्या था प्रमुख था देवताओं का यह सोमरस प्रमुख था इसलिए सोम को देवता से हम लोग सोम को देवता से हम लोग तुलना करते हैं दोस्तों सोम को देवता से तुलना करते थे आगे चलेंगे दासों का उल्लेख मिलता है दोस्तों दासों का उल्लेख मिलता है क्योंकि जब युद्ध होता था युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को दास कहा जाता था युद्ध होता है दासराग युद्ध ना दासराग युद्ध दासराग युग का भी बात आता है दोस्तों दासराग युद्ध का भी बात आता है तो देखें भरत वंश के राजा एवं सुदास के बीच में भरत वंश के राजा एवं सुदास एवं दस राजाओं के बीच में दासराग युद्ध होता है ऐसे युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को दास कहा जाता था इसलिए दास की बात कहाँ आती है दोस्तों दासों का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में होती है आगे चलेंगे यज्ञ का उल्लेख मिलता है यज्ञ क्या उल्लेख तो मिलता है दोस्तों यजुर्वेद में आगे चलेंगे पशुबली पशुबली यज्ञ पशुबली की भी पशु बलि यज्ञ में पशु बलि जाती थी यज्ञ में पशु में शाक एवं जौ की आहुति दी जाती थी यज्ञ में शाक एवं जौ की आहुति दी जाती थी दोस्तों यज्ञ में शाक एवं जौ की आहुति दी, दी जाती थी याद रखिएगा दोस्तों आगे चलते हैं देखिए ऋग वैदिक काल में उतना कोई वैसी बुराई नहीं थी लेकिन तो आगे हम उत्तर वैदिक काल जो पढ़ेंगे आपके एक हज़ार बीसी से छोटे 120, इसमें उत्पन्न होगी दोस्तों समाज में बुराइयां उत्पन्न होगी तो आइए आपके सामने है देखिए उत्तर काल एक हजार बीसी से 600 सौ बीसी उत्तर काल एक हजार बीसी से 600 सौ बीसी दोस्तों तो स्रोत कहाँ से मिलता है स्रोत कहाँ से मिलता है उत्तर वैदिक काल का तो रीग काल में ऋग्वेद की रचना होती है ऋग्वैदिक काल में 1500 सौ बीसी से 1000 हज़ार बीसी ऋग्वैदिक काल है ऋग वैदिक काल की रचना जो ही है रीग काल की जो समय है उसमें ऋग ऋग की रचना हुई है दोस्तों ऋग्वेद की रचना हुई है ऋग्वेद से ऋगवैदिक काल की जानकारी मिलती है बाकी सभी जो ग्रंथ है वेद है उससे उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है दोस्तों यानी स्रोत ऋग्वेद को छोड़कर अन्य वेद या ग्रंथ से मिलती है जैसे आप ऋग्वेद को छोड़ दीजिए तो तीन वेद पर बच रहे हैं यजुर्वेद श्याम वेद अथर्वेद अथर और कुछ ब्राह्मण ग्रंथ थे उपनिषद ग्रंथ थे आरढ़ ग्रंथ थे यानी यहाँ तीन आपके वेद हो गए तीन और अलग से ग्रंथ हो गए यहाँ छओ से क्या जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल की कहाँ क्या जानकारी मिलती है दोस्तों उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है आपसे पूछा जाए ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद श्याम वेद, वेद अथर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य ग्रंथ उपनिषद ग्रंथ से मिलती है दोस्तों आगे चलेंगे उत्तर वैदिक काल में आर्य शब्द सेंदों से आगे बढ़कर पहले जो आर्य आए थे दोस्तों आर्य आए थे जो सप्त सेंधों प्रदेश में हुआ रहा करते थे तो आर्यों की प्रमुख बस्ती आर्यों की प्रमुख राज्य आर्यों की प्रमुख स्थान भारत में पूछेगा कहाँ आके बसे थे तो सप्त सैंधो प्रदेश में बजे थे लेकिन तो उत्तर वैदिक काल में क्या करेंगे ये अपना विस्तार करेंगे ये अपना विस्तार करेंगे आगे चलेंगे उत्तर वैदिक काल में आर्य सप्त साधों से आगे बढ़कर पंजाब पंजाब से आगे बढ़ के कुक्षेत्र गंगा यमुना के दो वाराणसी थे गंगा यमुना के दो वाराणसी से आगे निकल कर बिहार पहुँच जाते हैं दोस्तों आगे निकल कर बिहार पहुँच जाते हैं तो आगे चलेंगे यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जो सोलह महाजनपद होता है सोलह महाजनपद आगे छ सौ बीस आगे छः सौ बीसी में महाजनपदों का उदय काल होता है तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में कौशल नामक कौशल नामक और विदेह नामक कौशल नामक विदेह नामक दो महाजनपदों का बात आता है दो महाजनपदों का बात आता है दोस्तों तो याद रखिएगा पांचाल प्रमुख राज्य था उस समय पांचाल क्या था प्रमुख राज्य था आगे चलेंगे अस्थाई जीवन होने लगा इन लोगों का जैसे उत्तर वैदिक काल ये चल रहा है इसमें अस्थाई जीवन बताया जा रहा है कि वो लोग अस्थाई जीवन अस्थाई निवास करने लगे लेकिन तो ऋग वैदिक काल में क्या था दोस्तों ऋग्वैदिक काल में क्या था आर्य आए थे तो घुमक्कर थे ये यावर जीवन व्यतीत करते थे आज यहाँ तो कल कहीं और कबिलाई के भेष में रहते थे कबिलाई के रूप में रहते थे यानी घूम घूमते रहते थे तो कृषि कैसे कर पाएंगे कृषि नहीं कर पाते थे ऋग्वैदिक काल में न उनका अस्थाई निवास था न उनका अस्थाई निवास था ना कृषि करते थे तो क्या करते थे दोस्तों केवल पशुपालन साथ में गैया को चराते थे गाय लिया करते थे गाय को चराते थे गाय को लेकर ही युद्ध होता था आगे उत्तर वैदिक काल में क्या करेंगे अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो अस्थाई जीवन जब एक आप घर बना के कहीं रहने लगेंगे तो कुछ खेतों में क्या करेंगे कुछ खेतों में अपना फसल उगाएंगे बोएंगे काटेंगे सब कुछ करेंगे आगे चलिए तो कृषि का साक्ष्य कब कब मिलने लगा उत्तर वैदिक काल में अस्थाई जीवन उत्तर वैदिक काल में पशुपालन पहले भी था पशुपालन अब भी होगा पशुपालन काल में भी था उत्तर वैदिक का उदय होता है, है, है यानी पनपना शुरू हो जाएंगी राज्य का उदय होगा एक राजा होगा और आप कृषि करेंगे तो कर लेना शुरू कर देता है दोस्तों कर लेना राजा क्या करता है Yeah. <laughs> कर लेना शुरू कर देता है यानी टैक्स लेना शुरू कर देता है जो आप कृषि करते हैं आगे चलेंगे राजा का सभा राजा का सभा राजा का जो चुनाव होने लगा दोस्तों राजा का चुनाव या नियुक्ति होने लगा तो सभा समिति द्वारा नहीं होने लगा आपसे पूछेगा काल में राजा का नियुक्ति कैसे होता था राजा को कैसे चुना जाता था तो काल में सभा एवं समिति करता था सभा एवं समिति नियंता करता था सभा एवं समिति करता था लेकिन तो उत्तर वैदिक काल में राजा का नियुक्ति कैसे होने लगा कैसे चुना होने लगा सभा एवं समिति से कोई मतलब नहीं था राजा वंशानुगत बन गया था दोस्तों राजा वंशानुगत बन गया यानी वंशानुगत हो गया यानी राजा का राजा लड़का राजा का लड़का राजा वंशानुगत ए हो गया और राजा निरंकुश होने लगा दोस्तों राजा निरंकुश होने लगा यानी बुराइयां समाज में एकदम पनप गई बुराइयां एकदम समाज में पनप गई अब क्या देंगे सब टैक्स देंगे अब कृषि करेंगे तो टैक्स देंगे तो राजा की सभा एवं समिति से कोई मतलब नहीं रह गया राजा वंशानुगत हो गया निरंकुश हो गया दोस्तों अब क्या होगा अब धीरे धीरे समाज समाज में और सारी बुराई होने लगेगी जैसे बालिकाओं पर उपनयन संस्कार प्रतिबंध दोस्तों ये सबसे ख़राब है बालिकाओं पे उपनयन संस्कार क्या बंद हो गया दोस्तों बालिकाओं पर उपनयन संस्कार बन, बंद हो गया जब उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा बालिकाओं पर यानी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती हैं दोस्तों शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती हैं आगे चलेंगे एक राजिव यज्ञ की बात हुआ है राजशिव राजस्व यज्ञ की बात हुआ है दोस्तों राजस्व यज्ञ की बात हुआ है ये कब होता था दोस्तों राजा के राज्य राज्यभिषेक के समय होता था राजस्व क्या होता था राजा के राज्य राज्यभिषेक के समय होता था इसमें इस कहा जाता था राजा अब क्या हो गए हैं शक्तिशाली हो गए हैं माया माया वाले हो गए हैं राजा इसलिए कराया जाता था अब आगे चलेंगे अश्वमेघ यज्ञ की बात भी उत्तर वैदिक काल में आता है अश्व गया यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था दोस्तों इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था एक घोड़ा छोड़ा जाता था यानी राज्य क्या था किसी का और कहीं जैसे राज्य एक ही लोगों का नहीं ना था राज्य एक एक लोगों का होगा बगल में कोई राज्य होगा बगल में कोई राज्य होगा तो एक राजा जो होता था वो क्या करता था जो पावरफुल होता था थोड़ा वो अश्वमेघ यज्ञ करता था अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ता था वो तो घोड़ा जा करके दूसरे राज्य के उपजाऊ क्षेत्र में चढ़ता था उपजाऊ क्षेत्र में चढ़ता था यानी जो कृषि किए गए हैं उसमें चढ़ता था और पीछे से सेना लगा दी जाती थी उस उसके मान लीजिए हम घोड़ा छोड़ दिए हैं तो उपजाऊ क्षेत्र में जाके चल रहा है दूसरे में तो उसके पीछे अपने सैनिक को लगा दिया जाएगा कि कोई राजा और भी राजा कोई यानी और भी किसी के सैनिक उसको पकड़ेंगे तो क्या करेंगे सैनिक युद्ध करेंगे हमारे सैनिक क्या करेंगे युद्ध करेंगे तो युद्ध हो जाता था दोस्तों अब ये बताइए जब अवर आप पावरफुल हैं आप घोड़ा छोड़ दिए हैं किसी कमजोर राजा के प्रति कमज़ोर राजा के क्षेत्र में तो घोड़ा तो चरेगा और उसके सैनिक जब बोलेंगे तो युद्ध होना शुरू हो जाएगा तो युद्ध होगा आप तो मजबूत हैं युद्ध होगा उसको हरा देंगे तो यानी सबसे बड़ी बात ये होता था घोड़ा जहाँ तक चल जाता था जहाँ तक चल जाता था वो क्षेत्र किसका हो जाता था उस राजा का हो जाता था जो अश्वमेघ यज्ञ करवाता था यानी घोड़ा को छोड़ दीजिए घोड़ा जहाँ तक चला जाए दूसरे राज्य में वो राज्य अपना हो गया किसी को औकात है तो क्या करे किसी को औकात है तो घोड़ा को पकड़ के दिखाए घोड़ा को पकड़ेंगे तो हमारे सैनिक क्या कर देंगे युद्ध कर देंगे तो सही बात ये है दोस्तों इस में केवल केवल कमजोर लोग ही इसमें धरे जाते थे कमजोर लोग के लिए ये खराब था दोस्तों आगे चलेंगे राज्य विस्तार के लिए किया जाता था क्या होता था अब इसका मतलब क्या हुआ अश्वमेघ यज्ञ राज्य विस्तार के लिए क्या किया जाता था घोड़ा उपजाऊ क्षेत्र में जाता था चलिए महाभारत महाभारत का प्राचीन नाम आया है जय संहिता ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता तो जय संहिता जो होता है महाभारत के एक महाभारत का ही एक पार्ट है भागवत कथा भागवत कथा जो महाभारत से निकला है आगे चलेंगे धान को ब्रीही करते थे दोस्तों धान का नाम क्या था ब्रीही गेहूं का नाम क्या था गोधूम था गेहूं का नाम क्या था गोधूम था हल को क्या कहा जाता था सीरा हल को क्या कहा जाता था सीरा मूर्ति पूजा आरंभ हो गया दोस्तों मूर्ति पूजा आरंभ कब होगा उत्तर वैदिक काल में होगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में होगा लोहा का खोज कर लिए दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज कर लिए इसके पहले लोहा से परिचित नहीं थे दोस्तों ये लोग लोहा से परिचित नहीं होते थे तो लोहा की खोज किए जिसको श्याम अय एवं कृष्ण अयस कहा जाता था जिसको श्याम अयस एवं कृष्ण अयस कहा जाता था आगे चलेंगे सर्व संरक्षक देवता इनके संरक्षक देवता, देवता, देवता जो हुआ करते थे विष्णु हुआ करते थे सर्व संरक्षक देवता विष्णु हुआ करते थे शतमान संभवतः चांदी की मुद्रा थी इनकी शतमान संभवतः चांदी की मुद्रा थी इसके पहले क्या होता था जो विनिमय की प्रणाली थी लेन देन की प्रणाली खाली थी वस्तु विनिमय थी वस्तु दीजिए और वस्तु लीजिए आगे चलेंगे उपनिषद में यज्ञ कर्म कांडों की विरोध हुआ है दोस्तों उपनिषद में क्या किया गया है यज्ञ कर्म कांडों की पशुबलि की क्या किया गया है विरोध किया गया है आगे चलेंगे एक महत्वपूर्ण पाठ होगा आपके लिए प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रव प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक इस इधर दर्शन है इधर प्रवर्तक है देखिए चावाक जो है चावाक के प्रवर्तक कौन है चावाक ही है योग के प्रवर्तक कौन है पतंजलि हैं जो योग आज करते हैं योगा डे इक्कीस जून को मनाया जाता है दोस्तों उसके योग मुनि कहे जाते थे पतंजलि तो योग के प्रवर्तक मतलब योग किसने लाया पतंजलि लेनाया शांक के दर्शक जो हैं कपिल मुनि हैं शांक के दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं न्याय दर्शन के न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं गौतम गौतम यानी गौतम बुद्ध न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध हैं पूर्व मीमांसा जो हैं पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं दोस्तों पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं, उत्तर मीमांसा के हैं, वैशेषिक के कणाद या उलुक हैं दोस्तों वैशेषिक के या उलुक हैं दोस्तों वैशेषिक के वैशेषिक के वैशेषिक के कणाद या उलुक वैसे के प्रवर्तक कौन है कड़ाद या उलिक है दोस्तों तो प्रमुख दर्शक एवं उनके प्रवर्तक भी आप लोग पढ़िएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है और वैदिक सभ्यता पीईटी में टॉपिक दिया गया है और कोई भी एग्जाम है आल वनडे एग्जाम है दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो वैदिक सभ्यता को हम बहुत अच्छे तरीके से तीन पार्ट में ख़त्म किए और सिंधु घाटी सभ्यता को दो पार्ट में खत्म किए हैं आगे हम पीटी का जो टॉपिक है दोस्तों पेट का टॉपिक और किसी भी एग्जाम की टॉपिक जो है महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को लेकर आने वाले हैं दोस्तों उसका क्लास लेंगे एक या दो पार्ट में इसको भी खत्म किया जाएगा गौतम बुद्ध को आगे जैन धर्म को यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को लगातार किया जाएगा दोस्तों तो अगला वीडियो हमारा वही आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों जय हिंद